नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार हो रही सुअरों की मौत से महामारी की आशंका बढ़ी, 300 का आंकड़ा हुआ पार। निगम प्रशासन ने उड़न दस्ता टीम का किया गठन। रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, जिले भर में चलाया जा रहा है सघन वाहन चेकिंग अभियान। कहलगांव में नाला निर्माण के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प, पूर्व मुखिया ने चलाई गोली, ग्रामीणों में दहशत। कोरोना वायरस का रेलवे पर दिख रहा है खासा असर, यात्रियों की संख्या हुई कम। और बांका एसपी ने 5 मार्च को हुई महिला की हत्या का किया उद्भेदन, मृतिका की सास गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। स्मार्ट सिटी भागलपुर में पिछले एक हफ्ते से सुअरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक भागलपुर के विभिन्न इलाकों में 300 से ज्यादा सुअर मृत पाए गए हैं। वहीं वार्ड संख्या 26 के सुर्खीकल इलाके में अज्ञात बीमारी से सबसे ज्यादा सुअरों की मौत हुई है। शहर के हाउसिंग बोर्ड, मायागंज, बरारी, विक्रमशिला सेतु के नीचे और शमशान घाट की झाड़ियों से लगातार सुअर के शव बरामद किए जा रहे हैं। इधर बढ़ते संक्रमण और महामारी के खतरे से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन सतर्क हो गया है। मंगलवार को मेयर सीमा शाह ने निगम के स्वास्थ्य प्रभारी और जोनल प्रभारी से फीडबैक लेने के बाद उड़नदस्ता टीम का गठन किया, जो सुअरों की मौत पर नजर रखेगा। वहीं मेयर ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर लोग मृत सुअरों की सूचना दे सकते हैं। मेयर सीमा शाह ने कहा कि शहरवासी हेल्पलाइन नंबर 8051955782 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मेयर ने आम लोगों से कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकने की अपील की है। एक टीम तैयार किया गया है और उसमें नंबर जारी किया गया है स्वास्थ्य शाखा से। उसके बाद जहाँ ऐसे कोई घटना होती है शहर में तो नगर निगम सूचना दे, नगर निगम से कार्रवाई करेगी। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी मोहम्मद रेहान ने कहा कि मृत सुअरों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफनाया जा रहा है और संक्रमण को रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। स्वास्थ्य प्रभारी ने वार्ड में नियमित फॉगिंग कराने और सफाई अभियान चलाने की बात कही। जैसा कि कल हम लोग बताया गया था कि जहाँ जहाँ भी सुअर मरा है सारे जगह उसको जांच करवाया जा रहा है। जहाँ भी स्थल से मिल रहा सुअर उसको गाड़ने का काम और ब्लीचिंग पाउडर चूना का छिड़काव करा रहे हैं और फॉगिंग भी करवा रहे हैं हर जगह, और यह अभियान पूरी तरीके से सफल हो रहा है। और आज का सुअर जो है 17 को कल मरा था और आज 8 को मरा है। आज इसके माने कि सुअर का मृत्यु कम हो रहा है धीरे धीरे और हम लोग इस पर पकड़ बनाए हुए हैं। आज क्या करें? आज हम पूरे 26 वार्ड में भ्रमण करवाएँ, सारे कर्मचारी से लगा करके सुअर का ये कराएँ, चेकअप करवाएँ, तो पता चला है कि 8-9 सुअर को मरा है और बाकी सब स्वस्थ है। अब कल आगे देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ये लगातार प्रोग्राम चलता रहेगा। इधर बड़े पैमाने पर सुअरों की मौत होने के बाद भी जिला पशुपालन विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई ठोस पहल नहीं की है। मवेशियों को बचाने के लिए विभाग ने दवा भी उपलब्ध नहीं कराई है। दवा वितरण और जांच के सवाल पर जिला पशुपालन पदाधिकारी शंभुनाथ झा ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लें। पशुपालन विभाग द्वारा उसका पोस्टमार्टम करा करके जांच की गई और उसके मिश्रा ब्लड सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है निदेशक और स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान के माध्यम से कलकत्ता में जाँच हो जाएगा। तो अंतिम रूप से उसका डायग्नोसिस होगा। तत्काल जितना हम लोग जाँच किए हैं उससे स्वाइन फीवर है और भागलपुर में लगातार हो रही सुअरों की मौत से महामारी फैलने और संक्रमण होने का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को भी कई स्थानों पर मृत सुअर पाए गए। आखिर इतने बड़े पैमाने पर सुअर क्यों मर रहे हैं, यह अब तक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। शहरी क्षेत्र के किस इलाके में अभी भी सुअर मृत पड़े हैं और आम लोगों को इससे क्या परेशानी हो रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। एक तरफ देश में लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं तो दूसरी तरफ भागलपुर वासियों की चिंता मृत सुअरों ने बढ़ा दी है। भागलपुर में विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में मृत सुअर पाए गए हैं और कई सुअर लगातार पिछले एक सप्ताह से जो भागलपुर का इलाका है उसमें मरते जा रहे हैं। लगातार सुअरों की मृत्यु हो रही है। आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद है भागलपुर के सुर्खीकल इलाका में वार्ड संख्या 26 में, जहाँ काफ़ी संख्या में मृत
सुअर पाए गए हैं पिछले एक सप्ताह में। इसके बाद यहां से संक्रमण धीरे धीरे फैला है और विभिन्न शहर का जो विभिन्न हिस्सा है उसमें फैल चुका है। अब जो सूचना आ रही है कि कई इलाके में, भागलपुर का कई इलाका इसकी चपेट में आ चुका है और सुअर के मरने के बाद जो अन्य पशु है उसकी भी मरने की सूचना आ रही है। हालाँकि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की ओर से पशुपालन विभाग को, भागलपुर के जो जिलाधिकारी हैं प्रणव कुमार, उन्होंने पशुपालन विभाग को जांच का निर्देश दिया है, लेकिन पशुपालन विभाग इस पूरे मामले पर सिर्फ जांच करके चुप्पी साधे हुआ है, अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने ना ही इस जो इलाका है इसमें ना ही दवा का वितरण किया है और ना ही जो इसकी रोकथाम के लिए उपाय होने चाहिए उसके लिए भी पशुपालन विभाग कदम नहीं उठा रहा है। हालाँकि जब इस पूरे मामले की जानकारी नगर निगम की मेयर सीमा शाह को मिली तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले पर स्वास्थ्य विभाग का, नगर निगम का जो स्वास्थ्य विभाग है उसको अलर्ट किया और पूरे इलाके में अब तक जो है तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव मात्र किया गया है। भागलपुर में सुअरों के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी वार्ड नंबर 26 की, जहां लगातार पिछले एक सप्ताह से सुअर मर चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं हाउसिंग बोर्ड इलाके में। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यह जल संसाधन विभाग है, हाउसिंग बोर्ड इलाके में, भागलपुर में जल संसाधन विभाग है और इसके ठीक सामने पिछले तीन दिनों से कई सुअर मरे हुए थे, लेकिन इस सुअरों के जो मरने के बाद है काफ़ी दुर्गंध हुआ और इसी दुर्गंध के बीच यहां के कर्मचारी बैठकर काम करते रहे, अधिकारी काम करते रहे, लाचारी में काम करते रहे। क्या परेशानी हुई हम उनसे जान लेते। सर बताइए क्या परेशानी हुई? सुअर मरा हुआ था, तीन चार दिन से दुर्गंध आ रहा था काफ़ी, जो काम करने में दिक्कत हो रहा था। आप बताइए सर क्या दिक्कत हो रहा है? शुक्रवार से सुअर का यहाँ एक फेंका हुआ था, हाँ, और हम लोग उसी परिस्थिति में काम कर रहे थे, लाचारी में, सबको सूचित भी किए लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई, हाँ। हम लोग अभी भी दुर्गंध से मर रहे हैं, बीमारी फैलने की आशंका है, जल्द कार्रवाई इस पर किया जाए। लाचारी में काम कर रहे थे, सूचना देने के बाद भी, निगम महकमे को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आप हकीकत समझ सकते हैं कि नगर निगम जो दावा करता है उसकी सच्चाई क्या है। वह सच्चाई हाउसिंग बोर्ड इलाके का जो जल संसाधन विभाग है उसके सामने मृत सुअर हैं उससे यह स्पष्ट होता है। दूसरे लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या सर मांग किए थे कहीं आप? तीन दिनों से तो ये सुअर मरा हुआ था, तो बाकी मेरे साथी लोग ये मांग किए लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अपने कैमरा मैन से चाहेंगे कि वह आपको इस इलाके की तस्वीर दिखाए कि बिल्कुल रिहायशी इलाका है पूरा, लोग यहां पर रहते हैं, काफ़ी संख्या में क्वालिफाइड लोग रहते हैं, फिर भी इस इलाके की जो बदतर स्थिति है, तीन दिनों से सुअर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, दुर्गंध हो रही है। सिल्क टीवी आपको शहर के विभिन्न हिस्सों की तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ सुअर मृत अवस्था में मृत पड़े हैं और अब हम पहुँच चुके हैं भागलपुर के सिंचाई विभाग में, जहाँ भी मृत सुअर मिलने की सूचना मिली है और आप हमारे साथ देख सकते हैं सीधी तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ भी जो सुअर हैं वो मृत अवस्था में, बिल्कुल मृत अवस्था में पड़े हैं और जो यहाँ का जो परिसर है, जो सिंचाई विभाग का परिसर है, उसमें कई सुअर के मृत होने की सूचना मिल रही है। और लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है नगर निगम प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर और पशुपालन विभाग पर कि इतनी भयावह स्थिति होने के बाद भी, 200 से अधिक सुअर मरने के बाद भी शासन क्यों उदासीन बना हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए जो है तो क्यों नहीं उपाय किए जा रहे हैं, कौन से अज्ञात बीमारी है इसका अब तक पशुपालन विभाग ने पता नहीं लगाया। हालांकि नगर निगम के द्वारा जो जहां से सूचना मिल रही है वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करके सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। शहर में बढ़ते अपराध और रामनवमी पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। मंगलवार को भागलपुर के कई चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और पुलिस के जवानों ने वाहनों की तलाशी ली। वहीं बिना हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वाले और सीट बेल्ट बांधे बिना वाहन चलाने वालों को पुलिस ने जहां जमकर फटकार लगाई, वहीं यातायात का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया। कई स्थानों पर वाहन चालक, ड्यूटी में तैनात अधिकारी और जवान से ही उलझ गए। शहर के रानी लक्ष्मीबाई चौक, कचहरी चौक, स्टेशन चौक, ततारपुर चौक समेत कई जगह पर पुलिस ने वाहनों की सघन तलाशी ली और वाहन चालकों से यातायात नियम का पालन करने की बात कही। इस दौरान कई बाइक सवार पुलिस को चकमा देकर भागने लगे,
लेकिन जवानों ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर में मंगलवार को दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी की घटना से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान मुखिया इंदिरा देवी के द्वारा सात निश्चय योजना के तहत नाला का निर्माण कराया जा रहा था। इसी बीच पूर्व मुखिया शिवदानी पटेल अपने बोलेरो से आ रहा था और बीच सड़क पर निर्माण कार्य में लगे जेसीबी को हटाने के लिए कहा। जेसीबी के ड्राइवर द्वारा 5 मिनट रुकने की बात कहने पर पूर्व मुखिया को गुस्सा आ गया, जिसके बाद पूर्व मुखिया ने निर्माण कार्य करा रहे मुंशी और जेसीबी ड्राइवर को पीट दिया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा मारपीट का विरोध करने पर पूर्व मुखिया शिवदानी पटेल ने कई राउंड गोलियां फायर कर दी। गोलीबारी की घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही कहलगांव SDPO रेसु कृष्णा सहित 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। साथ ही पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। यही हुआ, उधर से हम लोग यानी कि काम करते हुए आ रहे थे और इधर ट्रैक्टर लगा तो उसके पीछे वो बेलोरो खड़ा था। क्या चीज का काम कर रहे थे? रोड का खुदाई नाला का काम कर रहे थे। बेलोरो पीछे खड़ा था, उसके बाद ट्रैक्टर आगे निकाले। किसका बेलोरो खड़ा था? तो उसका नाम नहीं जानते हैं, हम तो ड्राइवर है बाहरी, हमको क्या पता। सिद्धानी मुखिया? हाँ, सिद्धानी मुखिया का है। और ट्रैक्टर निकाले फिर अपना जैसे भी साइड किए, उसके बाद रुकिए भैया थोड़ा पीछे ट्रैक्टर है चालू होने दीजिए और निकल जाएगा बाहर, उसके बाद हम भी साइड दे देते हैं। इतने में वो गाली पकड़ पूरा देने लगा। उसके बाद जो है वहाँ से मशीन साइड किए, मशीन साइड करने के बाद वो नीचे बोला, हमको बोला कि इधर आओ, नीचे आए। उसके बाद बोलते माधव चौधरी कौन है यहाँ काम करवाने वाला, बताया उनका नाम। किसका नाम बताया? कौन सी नाम? जो पप्पू का, उनका नाम बताया। वो फिर वो आया, उसको लप्पर थप्पड़ देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर उसको हम छुड़ाने के लिए गए, हाँ छोड़े भैया छोड़िए मारपीट करने, इसको फायदा नहीं, काम होने दीजिए, सड़क का काम है। इतने हमको भी एक थप्पड़ खींच के मारा, बस इतना ही। उसके बाद हम डर के मारे भाग गए, दूसरे के घर में घुस के बैठे थे। गोलीबारी जो हुई थी 12 को फायरिंग हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर रेलवे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन रेलवे कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेलवे स्टेशन पर यात्री मास्क लगाकर यात्रा कर रहे हैं, पर रेलवे कर्मियों को ना तो मास्क मिला है और ना ही सैनिटाइजर। बिना किसी संसाधन के रेलवे प्रशासन यात्रियों को वायरस से बचाव के लिए जागरूक करने की सोच रही है, पर सच तो यह है कि रेलवे कर्मियों को संसाधन की कमी यात्रियों के लिए भी खतरा है। रेलवे प्रशासन ने बेंच, कुर्सियां, वॉश बेसिन, वॉशरूम पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने का निर्देश दिया है, लेकिन संसाधन के अभाव में यह काम नहीं हो पा रहा है। वहीं कोरोना को लेकर लगातार डॉक्टरों द्वारा भीड़ भाड़ वाले जगह से बचने की बात कही जाती है। इसी को लेकर लगातार रेलवे यात्री अपना टिकट कैंसिल करा रहे हैं, जिससे रेलवे यात्रियों में काफी कमी आ रही है। मास्क पहनना, कोरोना वायरस जो अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जो वायरस फैला हुआ, उसके बचाव के लिए कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए हम लोग मास्क पहने। सुरक्षा के लिए मास्क, क्यों पहने ये मास्क? कोरोना वायरस फैल चुके यहाँ तक पहुँच चुके, जिसके कारण हम अपनी सुरक्षा के लिए हम अपने चेहरे पे मास्क लगा लेंगे। मास्क सुरक्षा के पहने हैं, मास्क बहुत जरूरी चीज़ है। जिस तरह से पूरे विश्व में जिस तरह से महामारी फैला हुआ है, यहाँ देखा जा रहा है कि बिहार में भले अभी तक नहीं आया हो, पर कहीं न कहीं जो है सुरक्षा के लिए बहुत स्कूल बहुत बेहतर चीज। बांका रजौन थाना क्षेत्र के उपरामा गांव स्थित खेत से 5 मार्च को पुलिस ने एक महिला का कटा हुआ शरीर बरामद किया था, जिसकी शिनाख्त उपरामा गांव निवासी सुमन चौधरी की पत्नी अंजना देवी के रूप में हुई है। मृतक महिला रजौन प्रखंड के सकराहा गाँव की रहने वाली थी, जिसकी शादी उपरामा गाँव के सुमन चौधरी के साथ हुई थी। बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है, साथ ही मृतक की सास नीलम देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। SP ने कहा कि कड़ाई से पूछताछ करने पर मृतका की सास ने घटना में प्रयुक्त हथियार के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद रजौन पुलिस ने मृतका के ससुराल के पीछे एक गड्ढे से धारदार गड़ा सा बरामद किया है। SP ने कहा कि मृतका का पति सुमन चौधरी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या के कारणों का खुलासा होगा। और किस हथियार में काटा गया? बिल्कुल, मॉडिंग जेल पर तो गया, वहाँ पर फोन भी मिला हम लोगों को, अच्छे में मिट्टी वहाँ से जब्त किया गया है। और फिर उसके अपने घर के पीछे ही चापाकल के पास गड्ढा में गाड़ के और अच्छा। दबा के उसको गड़ासा को रख दिया था, जो भी हम लोगों को मतलब जिस हथियार से काटा गया उसका पता चल गया किस हथियार से। हाँ, मिल गया, रिकवर। मृतका के ससुर के निशान मिले। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Mm-hmm.
बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुल्ली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV। चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना को लेकर भागलपुर पुलिस भी अलर्ट मोड में दिख रही है। मंगलवार को स्टेशन चौक पर CTSP सुशांत कुमार सरोज और कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों ने मास्क लगाकर सभी को कोरोना के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने सभी से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील की। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति राज्य इकाई के निर्देशानुसार जिला इकाई भागलपुर के द्वारा मंगलवार को जागरूकता रथ निकालकर कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया। जागरूकता रथ कहलगांव BRC परिसर से निकलकर अनादीपुर, श्यामपुर, भवानीपुर समेत कई क्षेत्रों में गया और घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान 48 शिक्षकों ने ग्रामीणों के बीच साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने एवं संक्रमित व्यक्ति से परहेज करने की बात कही। वहीं शिक्षक नवल किशोर मंडल ने बताया कि जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण करेगी और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताएगी। मौके पर दीपक सिंह, दीप नारायण यादव, श्यामपुर के मुखिया सुनील पासवान समेत सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मौजूद थे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समिति प्रदेश पटना इकाई का यह निर्णय हुआ है कि हम लोग बिहार में जितने 5,48,000 शिक्षक हैं, इस दुख के घड़ी हम लोग सरकार के साथ में हैं और समाज के साथ में भी संकल्पित हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस एक गंभीर समस्या बनी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शहर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को 31 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। साथ ही अधिकांश सार्वजनिक स्थल भी बंद हैं। इसी को लेकर नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में 31 मार्च तक प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया है। CTS के प्राचार्य ने बताया कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए सरकार के आदेश का पालन किया गया है और शनिवार शाम से ही प्रशिक्षण पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि वर्तमान में 1,000 से ज़्यादा जवानों को CTS में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहर में बाइक चोरों का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। बाइक चोर गिरोह काफ़ी सक्रिय हो चुका है। ऐसे में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए नया हथकंडा अपनाया है। पिछले 15 दिनों में शहर में चोरी हुई बाइकों के मामले में मिले CCTV फुटेज में कैद चोर की फोटो को पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस ने आम जनता से वीडियो में दिख रहे बाइक चोरों को देखने पर सतर्क होने और इसकी सूचना पुलिस को देने की बात कही है। साथ ही पुलिस ने चोरों का पता बताने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने की अपील की है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार हो रही सुअरों की मौत से महामारी की आशंका बढ़ी। 300 का आंकड़ा हुआ पार। निगम प्रशासन ने उड़नदस्ता टीम का किया गठन। रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। जिले भर में चलाया जा रहा है सघन वाहन चेकिंग अभियान। कहलगांव में नाला निर्माण के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प। पूर्व मुखिया ने चलाई गोली, ग्रामीणों में दहशत।
कोरोना वायरस का रेलवे पर दिख रहा है खासा असर, यात्रियों की संख्या हुई कम। और बांका एसपी ने 5 मार्च को हुई महिला की हत्या का किया उद्भेदन, मृतिका की सास गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।